नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नई वीडियो पर। दोस्तों हम लोग आए हुए हैं बिलासपुर डीएस वालों का इंटरव्यू लेने के लिए। दोस्तों जैसे कि पिछले बार हम लोग आए थे तो कुछ डीजे वालों का ही इंटरव्यू हो पाया था, तो हम लोग फिर से यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं ऐसे डीजे वालों से मिलाने वाला हूँ जो कि बहुत ही कम समय में डीजे के क्षेत्र में बहुत ही बुलंदियों तक पहुँच चुका है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं। आप लोग बोलते थे कि छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाओ, छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाओ, तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग छत्तीसगढ़ी में ही बनाने वाले हैं। संगवारी हो, आज के इंटरव्यू हम ना छत्तीसगढ़ी में लेने वाले हवा। तो संगवारी हो, मैं आप मल्ला मिलाने वाले हवा बिलासपुर में बहुत ही कम समय में अपन डीजे ला बहुत ऊंचाई तक पहुंचाए वाले भैया से। तो संगवारी हो, डीजे वाले के नाम जाने के पहले हमारे चैनल में यदि नवा हुआ तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और वीडियो ला लाइक कर दे रहा, काबर के मुँह मन ला ऐसने वीडियो बनाए बार आसानी हो है। काबर की आप मन लाइक करा तो हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो हमें नया वीडियो बनाए बार और आगू बढ़ते हैं। जैसे बात करता हूँ विनायक जोन वाले भैया के। तो भैया आप मन डीजे के क्षेत्र में आए पहले का काम करत रहा है, एक बारे में कुछ हमें बताओ। मैं पहली बीस ताशा खोले रहे, चार टू दो दो ताशा खरीदे रहे हूँ। पहली मैं चार टू फिर बॉक्स बनवा, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं बढ़ते गए हूँ। मुला सब जन जानी अभी भी जाना था। तो भैया डीजे के क्षेत्र में आए पहले आप मन और कुछ काम करत रहा कि सिर्फ डीजे डाय का चालू करे, एक बारे कुछ बताओ। मैं दो ताशा चालू करे रहे पहली, हर बार से मैं डीजे लाइन में घुसना चाह रहे हूँ। धीरे धीरे आज हम आगे पहुँच गए, सबको तुम जानते हो। या जैसे कि आप मन बताए हो कि आप मन टासा में पहले काम करते रहे, आपकी आपके टासा रही से, तो वो टासा के विनायक ही नाम रही से कि और कुछ नाम रखे रही से? उखर विनायक नहीं नाम रही से, उखर साई टासा नाम रही से। तब यह जैसे कि आप मन बताए हो कि टासा रही से, टासा के नाम साई टासा रही से, तो फिर आप मन विनायक नाम कैसे रखे हो, एक पीछे कुछ कारण? नहीं असल तो तुम जानबे करा था तो मैं न्यू साई डीजे करके खोले रहे तो बिलासपुर में डीजे रही सब भाई मन के, तो मैं नाव का फिर चेंज करे फिर डीजे विनायक करके नाम डाले। भैया जैसे कि आप मन बताया कि हमारे बिलासपुर में हुए एक आध उठक साई करके हवाई डीजे, तो खा नाम लेके आपने लगीज की चेंज करना चाहिए करके, तो आप मन चेंज करे हो, तो एला चेंज करे तो आप मन ला कहाँ से आइडिया इसके न्यू साई डीजे चलात रहो ला सीधा विनायक डीजे में परिवर्तन करे? विनायक डीजे करके रख, बिलासपुर क्षेत्र में नाम है ही नहीं है विनायक डीजे करके, तो नाम रखे बोलीस तो फिर मैं रखे से चलाते रहो। खर बात फिर आप मन ला कै साल हो गए कि डीजे के क्षेत्र में प्रॉपर आए? डीजे के लाइन में आए हुए 4-5 साल मतलब हो है डीजे के लाइन में आए। तब भैया जब मन आप मन टासा चलाते रहा आप मन के पास कुछ सामान रही सुही और ये डीजे के क्षेत्र में आया था, आप मन कौन कौन सामान के साथ चालू करे? मैं पहले 4 बॉक्स बना रेडीमेड बढ़ाई के पास से, फिर उखर बाद चलते गए चले कि फिर 2 टॉप लिए, उखर बाद फिर 2 डोअल लिए, उखर बाद फिर 1 जनरेटर लिए, जनरेटर लिए एक बार फिर टॉप फिर लिए, फिर बेस करके लिए। आज आप मन तो मन देखते ही हवा कि मैं यहाँ तक पहुँच गए हो, मन मोर के प्यार बनाए रखे रहे हो, उसने आगे तक बनाए रखा प्यार बनाए रखे रही है। बताए कि जैसे डीजे क्षेत्र में आए पहले आप मन 4 बॉक्स बनवाए हो, तो अभी आपके पास लगभग कते कन सामान हवा है और आप मन कै ठक सेटअप एक संग बांध सकत हो? मोर कन अभी हवा है बेस हवा 24 बेस हवा है, मोर पास हवा टॉप हुआ 20 करीब, 8-12 इंच के बॉक्स हुआ लाइनर है 8 करीब। तो आप मन एक साथ कै ठक सेटअप बांध सकते हो? मैं शादी सीजन में 4 सिस्टम बांधता हूँ, 8 बेस 12 बेस, और गणेश समय 12 बेस 2 सिस्टम 3 सिस्टम बड़े बड़े काम जी। तो भैया आप मन डीजे क्षेत्र में आए हो तो ऑपरेटिंग आप मन स्वयं करते रह शुरू में कि कोई बाहर ले बुलाते रहो, और अभी कौन ऑपरेटिंग करते कि आप मन स्वयं करते? मैं ऑपरेटिंग नहीं करते रहे पहले से, लड़का मन 2-3 जन लड़का है ऑपरेटिंग करते, पहला ऑपरेटर है विक्की करके है लड़का, उसके बाद दूसरा लड़का है सागर करके, तो सब जानबे करा था तुम अल्लाह। तो भैया जैसे कि आपके सिस्टम में अभी मैं कुछ यूट्यूब इंस्टाग्राम के माध्यम से देखता हूँ कि आपके सेटअप में बहुत अच्छा अच्छा लाइट लगते, तो लाइट काखर रही थे आपके स्वयं के रही थे कि बाहर के रही थे? वैसे तो मैं लाइट के नाम लिखाए थे लेकिन आप मन बताया था ज़्यादा अच्छे रही थे। लाइट मोर भी रही थे, दीपक लाइट के हवा है भाई, 4-5 साल हो गए लाइट बांधा है, अंगद भाई है 2 साल करीब बोला हो गए, तो तीनों मिल के लाइट के काम करता हूँ। मतलब 10 पेटी काम भी थे तो 3-3 पेटी माल करथन है ना, 20 पेटी हो गए तो 5 पेटी मोर करके 3-4 जन के, दीपक लाइट अंगद लाइट तीनों कर कोई के मिल के काम करथन।
बताया 4-5 साल हो गए आप मन डीजे के क्षेत्र में आए, तो मोरी हिसाब से तो वही समय लॉकडाउन लग गई सोही, तो फिर आप मन यहाँ तक पहुँचे पर कौन कौन से परेशानी का सामना करना पड़ी से? लॉकडाउन के पहले 1-2 साल तो डीजे अच्छा से चली, उसके बाद 1-1.5 साल लॉकडाउन रही सब है, उसके बाद तो 1 साल तो पूरा बैन हो गई से डीजे है, उसके बाद लॉकडाउन खुली तो अच्छा से डीजे चली समर लाइन में, उसके बाद फिर कलेक्टर के पास गए बिलासपुर तो 1 साल से बंद रही से, फिर हड़ताल करे नोमा तब जाके डीजे खुली समर, तब फिर लाइन अच्छा चली। लॉकडाउन के बीच में तो हम बहुत परेशानी हो रही सब है, बोला हम फिर मैनेज करें, फिर लॉकडाउन खुली चोखर बाद सबको फिर बनाए धीरे धीरे चलते चलते फिर सब लॉकडाउन के मैनेज खत्म हुई। तो संगवारी भाई वीडियो आप मन कैसे लगा थे, काबर की अमन अब पहली बार छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनावा था, काबर की आप मन के बहुत सारा कमेंट रही के छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनावा करके, तो मन छत्तीसगढ़ी में वीडियो बना था, हमारा कमेंट बॉक्स में बताओ कि का हमन ऐसे छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाई के हिंदी में हमन वीडियो बनाए थे। तस हमारे वीडियो ला पूरा देखा, काबर की हमने वीडियो में भैया से जानबो के अभी कौन कौन से मास्कपेट कौन से मिक्सर और कौन से जनरेटर वगैरह यूज करते थे। तो भैया जैसे कि बहुत जन जन नवा सेटअप चालू करना चाहते, उमन है चाहते कि भैया बड़े जन सेटअप आप मन के तब बहुत बड़े सेटअप हो गए, तो उमन जानना चाहते कि आपके सेटअप में कौन से मास्कपेट यूज करता और कौन से स्पीकर यूज करता, एक बारे में कुछ हमला बताओ। मशीन तो मैं A+ करता हूँ यूज, शार्प ऑडियो हवा, HHH हवा, X7 हवा, स्टेंजर के हवा, तू मैंने तो सब मशीन ले जानबे करा था, हम तो यूट्यूब के माध्यम से सबका दिखावथन सब कोई देखता, तो छुपाए वाला बात नहीं हो, मैं कौन कौन मशीन हमन चलाथन सबका देखबे करता तू मन। तो भैया मशीन ला तो जैसे कि देख लेते, तो आप मन स्पीकर कौन से यूज करता और सामान कहाँ से खरीदते यदि बताना चाहो तो? लोकल तो हम बिलासपुर से खरीदते हैं, बाहर से ज़्यादा उतना जान नहीं, बड़े बड़े अगर काम रहते ना तो कुछ कुछ सामान लगते, तो छोटे छोटे सामान उमन आते हैं, अभी गले समय कुछ कुछ सामान ले ले के आए हैं बाहर से, अभी बड़े काम चालू करे हैं तो थोड़ा मतलब आप मन जन बिलासपुर में नहीं मिला वो सामान ला बाहर से खरीदता और जितना भी बिलासपुर में सामान मिलते हो ला बिलासपुर में ही खरीदता? बिलासपुर में तो बहुत सारा सामान मिलते, कुछ 80% बिलासपुर में सामान मिलते, 20-30% नहीं मिले जो बिलासपुर में हुए, बाकी सब तो सामान मिलबे करते बिलासपुर में। तो भैया आप मन जैसे कि बता के भी बिलासपुर से सामान खरीदता, तो कैबिनेट ला कहाँ घलो बिलासपुर से खरीदता कि कहीं बाहर से लेता? कुछ सामान हमें डुअल हमें बिलासपुर से खरीदे हैं, हमें 10 डुअल हमें बिलासपुर से खरीदे हैं और 12 सिंगल हवा सारंगा के पास से बाहर से आए हो बिलासपुर के नो है वहाँ। बेस में आप मन कौन से स्पीकर यूज करते हैं? बेस में हमन RCA 1200 यूज करते हैं, बेस में डुअल में और सिंगल में हवा नेक्सो करके हवा सारंगा भैया जो दिए हवा। भैया आप मन के सेटअप ला चलाए बर कई जन आदमी मन के जरूरत पड़ते और जैसे कि एक साथ कई सेटअप बांधता था कई जन के जरूरत पड़ते, वो भी कई जन हवा संग में? अभी तो मोर साथ में 25-30 जन लड़का हवा जो 4-4-5-5 जन कर करके से एक छो सेटअप में, शादी सीजन में 8 जन 7 जन 3-4 गाड़ी सीजन में चलते शादी सीजन में, तो 4 जन 5 जन एक छो सेटअप में जाते और नवरात्रि गणेश जन्माष्टमी दुर्गा में तो थोड़ा कंझट काम रहते, तो 2 सिस्टम 12-12 बेस के सिस्टम बांधन, 4-4 बेस के एक 8 बांधा के बधा गए मन के नॉर्मली सेटअप 8 बेस के और 10-12 सारफी के दे जाए तो खर प्राइस का है, और जैसे झांकी वाकी में लगते बड़े सेटअप 12 बेस और वो खर प्राइस का रहते? तो हमारे तो 8 बेस हवा 4 टॉप हवा वहाँ 10 सारफी लग गए तो लगभग लोकल के 35-30 के आसपास जाते लोकल, अगर 12 बेस हो गए वही में तो 40-45 के रेंज है, अगर 20 सारफी चल दी तो 60-65 हज़ार के रेंज आई 12 बेस में। और भैया जैसे कि आप मन हर लोकल के छोड़े से दूर जाता तो उखर का प्राइस है? अब जैसे लोकल में है तो 5 हज़ार कम ही लगते, जैसे बाहर गए 12 बेस में 10 सारफी में तो 50 हज़ार भग जही, बस डीजल चार्जेस में जुड़ते गाड़ी खर्चा, बाकी तो सामान तो जाने ही यहाँ हो रहा है चाहे वहाँ रहे। मतलब आपके क्या मतलब है जैसे दूरी बढ़ी होकर हिसाब से पैसा घलो बढ़ा जाए? दूरी हो जाए तो पैसा बढ़ा जाए, तो डीजल के रेट तो जानबे कर था तुम ना, गाड़ी के रेट तो बढ़े ही हुए है, तो डीजल और गाड़ी के रेट बढ़ते सामान तो जहाँ जाइए तो जाबे करी। तब यह जैसे कि अब गाड़ी की बात निकल गए तो गाड़ी घलो संग में पूछ लेता कि जो डीजे सेटअप भराते हो गाड़ी आप ही के किराए में लाते हो? तो 3-4 साल पहले तो हमन गाड़ी नहीं रही से हमारे पास, 2022 में हमन गाड़ी खरीदें पुराना गाड़ी एक खरीदें माजदा, उसके बाद फिर 6-7 महीना बाद फिर भाई की शादी हुई
तो मैं गाड़ी फिर आई 407 दहेज में मिली गाड़ी, तो दोनों गाड़ी में डीजे बंधा थे। अगर गाड़ी आउच कमी पड़ते तो भाई मन के नल गाड़ी लेके आता छोटे से डब्बा, अगर बड़े से डब्बा 12 साल भी बहुत सारा सिस्टम बंधा था। मैं 40 साल भी तो डीजे भी वही में डालता, वही में लाइट डालता, सब चीज वही में रही थे। लोड ज्यादा पड़ते तो बड़े गाड़ी बांधता, छह चक्कर ही थे 1100। डीजे के क्षेत्र में आप मतलब कौन कौन से परेशानी का सामना करना पड़ते? परेशानी तो बहुत आते, कोई इसका समय नहीं है परेशानी है, मतलब शादी सीजन में तो परेशानी ही नहीं जावा है। समिति वाले गणेश समय जन्माष्टमी हो गए, दुर्गा हो गए, लक्ष्मी हो गए, तो एम समिति समिति जहाँ पाते वहाँ गाड़ी में लग घुसाते, तो गाड़ी मन फंस भी जाते कई जगह के, अच्छा से निकल जाते काम मन। और डीजे ले ले तो तुम मन जानबे करा था कैसे, कभी झेले पड़ते, कभी अच्छा रहते, कभी नहीं भी रहे। हाँ सही कहा था भैया, डीजे के क्षेत्र में ऐसे होते कभी कोनो मेरा सुने पड़ते, कोई जगह सुनेला नहीं पड़े, तो कोई कोई जगह सुने भी पड़ते, कोई जगह अच्छा काम नहीं पड़े, कोई सब जगह सुने भी पड़ जाते, तो खाली चलते हमारे तो काम वही हवा है। हाँ। सब तो तुमन जानबे करा था। हाँ। तभी जैसे कि आप मन के बड़े बड़े सेटअप देखे मिलते, एकर अलावा आप मन घलो लाइव के घलो काम करता हो कि नहीं, क्या कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम में भी आप मन जाता हो कि नहीं जाओ? छोटे बड़े सब कार्यक्रम करथन हमन, स्टेज हो चाहे गाड़ी वाला काम है, गाड़ी वाला तो 12 महीने हमारे काम होते, स्टेज वाला है बहुत कम काम होते, छट्टी वट्टी काम में चलते, बड्डे वड्डे हो गए, शादी पार्टी हो गए तो मैं सब में चले पड़ते, और बारात वाला गाड़ी वाला तो चलबे करते, और 12 महीने हमारे गाड़ी वाला काम चलती, स्टेज वाला बस कम चलते थोड़ा। तब यह जैसे कोई डीजे विनायक लगवाना चाहते, कुछ कार्यक्रम हो चाहे छट्टी बरही चाहिए गणेश उत्सव, तो मन आप मन संग कैसे संपर्क कर सकते थे? फोन लगाते कई जन मन दुकान भी आ जाते, कई जन मन नंबर निकालते यूट्यूब से, कई जन मैं इंस्टाग्राम से नंबर निकालते, तो इंस्टाग्राम से नंबर निकालते तो फोन द्वारा बात हो के। और आजकल तो ऑनलाइन के दुनिया चलबे करा था, सब जानबे करा था तुमन। हाँ। तो ऑनलाइन भी हो जाते, दुकान ऑफिस आ जाते तो दुकान भी आ जाते, दुकान बुला लेते, दुकान से काम हो जाते, कई बार ऑनलाइन डालते तो ऑनलाइन बिल काट के बिल भेज देते ऑनलाइन। तो भैया जैसे कि आप मन ऑफिस बुला लेते करके बात कर रहे हो, तो आपके ऑफिस कहाँ है प्रॉपर आप मन हमला बताओ? बिलासपुर में है मोर ऑफिस, नया बस स्टैंड हवा ऊपर, वहाँ पास तिफरा हवा है, तिफरा ला सब जानबे करा था हवा तुमन। हाँ। वो ऑफिस हवा वही पास हवा तिफरा के आसपास में, बस स्टैंड नया बस स्टैंड के आसपास में। ए रही से विनायक जोन के मालिक राकेश भैया के इंटरव्यू, आप मन ला कैसे लगी से हमला कमेंट बॉक्स में जरूर बताहा। और हाँ, आप मन बोले रहो कि छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनाओ, तो एक ठक छत्तीसगढ़ी में आप मन भर हमन है वीडियो बनाया हन, कहूँ आप मतलब छत्तीसगढ़ी में घलो वीडियो चाहिए तो कमेंट में धड़ाधड़ लिखा के हाँ भाई छत्तीसगढ़ी में वीडियो बनावा। और आगू हमन को डीजे तक के लिए वीडियो ला प्यार।